इस मैच में भूल के जो अगले मैच में अच्छी तरह कमबैक करें इस टूर्नामेंट में। सरफराज, पहला मैच था वर्ल्ड कप का, लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी, क्या वजह है कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम जो क्वालिफाई करना पड़ा जिसको वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने के लिए, उससे हम हार गए? देखिए ऐसी बात नहीं कि वेस्ट इंडीज टीम जो है वो एक हल्की टीम है, और आपको पता है कि उनके पास अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, अच्छे फास्ट बॉलर मौजूद हैं जो कि अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से वो टीम जो है वो अच्छी क्रिकेट खेल रही है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि आज हमारा बैड डे था और हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, तो इंशाल्लाह मुझे मुझे टूर्नामेंट में भी 8 मैचेस बाकी हैं, इंशाल्लाह टीम कमबैक करने की सलाह रखती है और इंशाल्लाह हम कमबैक करेंगे एज अ टीम। सरफराज, मैं आपके क्रिटिसाइज नहीं करूंगा आज के मैच हार के, खेल जीत हार तो होती रहती है। मेरा सवाल ये है कि जब आप टॉस हारे थे उसके बाद कोई प्लान बी था बैट्समैनों के लिए, कोई इंस्ट्रक्शंस थी कि मौसम इस वक्त आबारा आलूद है और फोरकास्ट है, हैवी फोरकास्ट है, तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। फखर जमान उसी तरीके से बैटिंग करने के लिए आए और दूसरे बैट्समैन भी बाद में, तो प्लान बी नज़र नहीं आया। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं थी, हमें एक चीज़ का अंदाज़ा है और मैंने पहले भी पहले कहा है कि जो जैसे मैच 10:30 स्टार्ट हो रहा है तो ओवरकास्ट कंडीशन जो है आपको पहले 1-1.5 घंटे में आपको मिलेगी, अगर सन सूरज नहीं आता है तो बॉल जो है वो किसी तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा आज पिच भी थोड़ा सा डिफरेंट खेला है, जैसे कि नॉटिंघम का पिच यहाँ पे होता है हमेशा अच्छा बैट जो है अच्छा बॉल जो है वो बैट पे आता है, लेकिन अगर आप लीडर ऑल भी देखेंगे तो बॉल थोड़ा फंस रहा है यहाँ पे। और जहाँ तक बात प्लान की, तो प्लान बिल्कुल लोगों के पास है, मैंने कहा कि फखर जमान का एक स्टाइल है खेलने का, वो इसी स्टाइल में ही खेलेगा, आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते। माफ का दूसरा रोल है, फखर का दूसरा रोल है। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ हमारे दो पहले विकेट हैं वो आई थिंक बहुत सॉफ्ट खेलते हैं, एक लेफ्ट साइड से कॉल डी एंड हो गए, और फखर का भी है वो हेल्पर से लग के